हम सब सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम सबके अंदर वो पावर है कि हम अपनी लाइफ में ग्रेट बन सके, लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने में रोकती है वो है इस सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस। नमस्ते दोस्तों, मैं अभ्युदय कर्मसंघ चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम को बड़ी ईजली कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं हैं। ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना लर्न कर चुके होते हैं कि सक्सेस इनके लिए एक हैबिट बन जाती है और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ ईजली करते चले जाते हैं। इसके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता और ना ही इनके नेचर को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसीलिए अभी से गुड हैबिट्स की आदत डाल लो। ये हैबिट्स आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी और खुद को आज से ही सक्सेस के लिए रेडी करना स्टार्ट कर दो। यानी पॉजिटिव हैबिट जैसे चॉइस ऑफ बुक जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवी जो आज तक आप देखते थे और फॉरकास्ट जो आज तक आप सुन रहे थे। जब आप अपने कॉशस बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उसे खुद ब खुद फॉलो करने लगेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है। ये सोचता नहीं और ना ही कोई सवाल करता है, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसीलिए डर और हेजिटेशन को दूर करके एक्शन पर फोकस करो। वैसे बॉडी और माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं और हैबिट्स इतनी इजीली चेंज नहीं हो पाती, लेकिन आप पॉजिटिव बने रहिए और हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करके चलो। हैबिट्स रातों रात बिल्ड नहीं होती, इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ टॉक पर फोकस करना है, यानी अपने बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना छोड़ दो। जैसे अक्सर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड, मतलब मैं अब थक चुका हूँ। अपनी डेली प्रैक्टिस में और ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स की हैबिट डालें। ऑथर हमें अपने नेफ्यूज की स्टोरी बता रहे हैं, जिनके दो नेफ्यूज हैं जिन्हें टेनिस खेलना पसंद है। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके दोनों बेटों की इस हैबिट की वजह से उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑथर ने उन्हें बोला, घर पे सारा दिन खाली बैठकर किसी बैड हैबिट में पढ़ने के बजाय टेनिस खेलना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बच्चों के फादर ने इस बात पे गौर किया तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि उनके बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप के लिए टेनिस खेलना काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। ये उन्हें इंगेज करता है जिससे वो किसी भी बुरी आदत का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है, अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स कल्टिवेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि आप किसी भी बैड हैबिट का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। आपकी हैबिट्स आपको कहाँ ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फेल्योर की तरफ? ये आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आप खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। इसीलिए आज से ही अपनी हैबिट्स को लेकर सीरियस हो जाएं और जो भी आपके नेगेटिव बातें हैं उसे पॉजिटिव में बदल दें। जय हिंद।